हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं निलय हमारे यूट्यूब चैनल वी आर क्वेयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सुजल और अरुण की स्टोरी का फाइनल पार्ट के साथ मैं हाजिर हूं, जो कि एक थर्ड पार्ट है। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी आपको देखना चाहिए और इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, जहाँ सुजल और अरुण ने बचपन में जिस तरीके से अपने प्यार की शुरुआत की थी, ये उस पर आधारित कहानी है। हम पहले और दूसरे पार्ट में क्या हुआ उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे, लेकिन इससे पहले जो लोग नए हैं वो चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही खूबसूरत गेल अप स्टोरीज आपको हर दिन सुबह 5 बजे मिलती रहें। और दोस्तों, इस स्टोरी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाना है। तो बचपन में जब सुजल और अरुण एक दूसरे से प्यार करते थे, पापा ने सुजल के दोनों को संबंध बनाते देख लिया था। नियति ऐसी थी कि सुजल को 6 महीने का कारावास हुआ और अपने ही घर में कैद रहा। जब वहां से निकला तो घर में किसी ने उसे समझना ही नहीं चाहा। 6 महीने तक उसने बहुत कोशिश की, बहुत बुरे ख्याल भी आए, पर जीवन जी लिया उसने। अब जैसे ही जब घर से बाहर आया, जब लोगों को लगा कि अब सुधर जाएगा या कुछ चेंजेस आ जाएंगे, ये अपने ओरिएंटेशन को, अपने सेक्सुअलिटी को भूल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुजल घर से निकलने के कुछ दिनों बाद ही घर वालों को और पूरे शहर को छोड़ वो अरुण को भी भूलकर निकल पड़ा दिल्ली के लिए। वहां लाइफ में मस्त होकर पढ़ाई के साथ जॉब भी की। घर वालों को भुलाकर उसने अपने करियर और खुद के लाइफ पर फोकस किया। हुकअप्स और गे फ्रेंड सब कुछ मस्त ही चल रहा था, पर एक वक्त आया जब सुजल को अपने पहले प्यार अरुण की याद आ गई और फिर वो पहुंच गया अरुण से मिलने, जहां पता चलता है कि अरुण घर से दूर बनारस में एक एनजीओ के लिए काम कर रहा है, अकेला रहता है और घर वालों से कोई रिश्ता नहीं है। फिर सुजल मिलने पहुंच जाता है अपने बचपन के प्यार से, जहां एक दूसरे को देख कर कि दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। दोनों का बचपन का वो शिद्दत वाला प्यार अब इतने इंतजार के बाद एक दूसरे के सामने होते हैं। बहुत सारी प्यार भरी बातें होती हैं, एक दूसरे को हग करके रोने लगते हैं। बातों ही बातों में प्यार उमड़ आता है और खुद को रोक नहीं पाते हैं दोनों। अब आगे देखते हैं। सुजल खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया संबंध बनाने के लिए। अरुण काफी तगड़ा और हैंडसम हो चुका था। अरुण सुजल को उठाकर काउच में लेकर के जाता है, जहां उसे खूब प्यार देता है। दोनों का प्यार अपने उफान पर था। दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार फेंकते हैं, खूब सारी इंटेंस किसिंग होती है, बॉडी प्ले होता है। और अब जो अरुण है वो सुजल को अपने दोनों जांघों के बीच बैठा करके पीछे से पकड़ के उसे किस करता है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कराता है। दोनों उस मोमेंट को जी लेना चाहते हैं, पर जब भी सुजल चाहता कि आगे बढ़े बात या कुछ हो, अरुण पता नहीं क्यों बार बार खुद को रोक लेता। सुजल कहता है कि आखिर हुआ क्या, क्यों रुके जा रहे हो। अरुण कहता है कि इतने दिनों बाद मिले हैं, ऐसे कैसे सब तुरंत हो जाने दूं, इस मोमेंट को थोड़ा स्पेशल तो बना दूं। सुजल अरुण को आई लव यू कहता है इसी बात पर और खूब प्यार देता है। अरुण उसको फिर काउच में उठा करके पटक देता है। अब माहौल बहुत गर्म हो जाता है। सुजल अरुण को ओरल भी करता है। सुजल बिल्कुल नहीं चाहता था कि अरुण रुके, वो जबरन कोशिश भी करता है। अरुण कहता है कि रुक जाओ, प्रोटेक्शन के तौर पर निरोध यूज करते हैं। सुजल कहता है कि मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, प्लीज कुछ करो, बिना निरोध के ही सही, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ। पर अरुण बैग से निरोध निकालने चला जाता है और फिर उसे पहनता है और उसका इस्तेमाल करता है। फिर खूब इंटेंस पेनिट्रेशन होती है, काफ़ी सारे मॉर्निंग की वॉइस आती है। अब ऑर्गेज्म के बाद दोनों बिल्कुल शांत हो जाते हैं एक दूसरे की बाहों में। दोनों ने काफ़ी कुछ सहा था बचपन से लेके अब तक। अब फाइनली दोनों एक दूसरे के साथ एक कमरे में एक बिस्तर पर थे, एक दूसरे के लिए जी रहे थे। ना कोई रोकने वाला था, ना कोई कुछ कहने वाला था। दोनों ने साथ में डिनर किया एक बाहर रेस्टोरेंट में जाकर, और सुजल ने अरुण से कहा कि मेरे साथ दिल्ली चलो, हम साथ रहेंगे पूरी ज़िंदगी। अरुण को तभी किसी का कॉल आता है, पर वो कॉल अवॉइड करता है। वो कॉल उसके एक्स का होता है, जो अभी भी उसके टच में था। खैर, वो तो बात की बात थी, चीज़ें बहुत सारी हो रही थी। बैठे ही बैठे सामने ही सुजल के अरुण ने काफ़ी सारे लोगों को ब्लॉक भी किया था, क्योंकि उसे लगा था कि अब किसी की ज़रूरत ही नहीं है, जब मेरे सामने मेरे बचपन का प्यार सुजल है।
अरुण कहता है कि मैं यहीं पर ठीक हूं। सुजल पूछता है कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी लाइफ में कोई है जिसे छोड़कर मेरे साथ तुम आना नहीं चाहते? जो तुम कह रहे हो यहीं पर ठीक हूं, दिल्ली नहीं आना। अरुण कहता है कि तुम्हारी जगह मैं कभी किसी को नहीं दे सकता और ना ही कभी दी है। भले कितनों के साथ फिजिकल हो लिया, लेकिन कोई प्यार जो होता है, जो एक सच्चा प्यार, जो एक फीलिंग होती है, वो मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। अगर कोई पसंद होता भी तो भी जो मज़ा और सेटिस्फैक्शन तुम्हारे साथ आया है, मुझे इन 3 से 4 सालों के हुकअप्स करने पर भी कभी नहीं आया। प्यार तो तुमसे ही करते आया था और अभी भी करता हूँ। सुजल भी कहता है कि मैं दोबारा तुम्हें पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर तुम्हें अपनी फैमिली से दूर नहीं होना था। मेरी फैमिली में तो मेरे बड़े भैया हैं जिन पर लोग जान छिड़कते हैं, और घर को देखने और उन्हें समझने के लिए चलो एक भाई है वहाँ पर। मैं ना भी चाहूँ तो मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए है कोई, पर तुम तो अकेले बेटे हो, घर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझसे भी ज़्यादा है। और हाँ, अंकल जी के बारे में सुना मैंने, काफ़ी बुरा हुआ। अब उनकी जगह आंटी जी जॉब करती हैं, बहनें काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। पर तुमसे कोई बात नहीं करता, पूछने पर भी कुछ नहीं कहा किसी ने। अरुण ने कहा कि पापा ने जीते जी मुझसे हमेशा नफरत की और मुझे कोई प्यार करने वाला भी नहीं था। वक्त के साथ मैंने नशाबाजी और ड्रग्स भी लिए, धीरे धीरे इन चीजों से उबरा हूँ। अलग अलग पार्टीज में जाता, लोगों के साथ हुकअप्स करता, 2-3 दिन तक नशे में डूबे एकदम बेसुध ऐसे लोगों के घर पे होता जिनको मैं कभी जानता भी नहीं था और अभी भी नहीं जानता कि मैं किनके किनके घर रहकर आया। दिन यूं ही गुजर रहे थे मेरे, बुरी संगत में पड़ा, खूब सारे लोगों से मिलता, घर वालों को सब पता होता पर कोई कहता नहीं। मैं इतना लिप्त हो चुका था, लोग खूब समझाते सिखाते, पर एक जो अकेलापन था प्यार का, जो मुझे लगता था कि कोई नहीं समझता मेरी फीलिंग्स को, वो अंदर ही अंदर खाया जाता था। पर इसीलिए ये गलत चीज़ों में मैं पढ़ने लगा। सबकी नफरत और मोहल्ले वालों के ताने, ऐसा लगता जैसे सभी मुझसे नफरत करते हैं। सुजल उसे कहता है कि हम दोनों की जिंदगी में कभी सुकून नहीं रहा, मैं मानता हूँ, और अक्सर सोचता भी था कि यार मैं ऐसा क्यों हूँ, आखिर मुझे क्यों समाज में अलग देखा जाता है, समझा जाता है। पर अब कोई नहीं, तुम मिल गए हो, सब भूल के साथ जीते हैं। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना और हम हर कदम पर साथ भी रहेंगे। इस पर अरुण काफी मायूस हो जाता है, एकदम दुखी हो जाता है। टूटे मन से कहता है कि यार ये पॉसिबल नहीं है, शायद मुझे पूरी जिंदगी अकेला ही रहना है। सुजल ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो, इतने नेगेटिव क्यों हो तुम, क्या मुझ पर और अपने प्यार पर भरोसा नहीं है? अरुण कहता है कि यार हटाओ ना ये सब, चलो घर पर आराम से लेट कर बातें करेंगे, मुझे यहाँ सर दर्द हो रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। दोनों अरुण के घर जाते हैं और फिर दोनों खूब प्यार से एक दूसरे को हग करते हैं, प्यार देते हैं, फिर से फिजिकल होते हैं और उसके बाद एक दूसरे की बाहों में लेट करके आगे बातें करते हैं। अरुण कहता है कि एक बात है जो तुम्हें बतानी है, सुबह से ही सोच रहा था कि बताऊं, लेकिन मैंने सोचा तुम्हें दुखी ना करूं, और ये बताना ठीक है या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा था। सुजल कहता है कि बताओ ना, आखिर हम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं, मुझसे क्या छुपाना भला, हम दोस्त भी हैं, हम प्यार भी हैं। इस पर अरुण थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है कि देखो सुजल, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इवन मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी से दिल भी नहीं लगाया ना प्यार कर पाया हूँ। फिर रिश्ते में रहा, लेकिन वो प्यार प्यार नहीं था, एक समझौता था। पर एक बात तो है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जी सकता, ना रह सकता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। सुजल दुखी होकर कहता है कि ऐसा क्यों कह रहे हो? अरुण कहता है कि यार मैं HIV पॉजिटिव हूँ। इतना सुनते ही सुजल के चेहरे पर एक अजीब सी, उसकी रंगत उड़ जाती है, खामोशी सी छा जाती है। अरुण कहता है कि मुझसे मेरा पूरा परिवार नफरत भी इसी वजह से करता है कि ये कहाँ से ऐसी बीमारी ले आया जो हमारे कभी किसी के परिवार में किसी को नहीं हुए। इतना समझाने के बाद भी ये गलत चीज़ें करके, ये तुम्हारे पाप का ही नतीजा है जो कि तुम ये जो चीज़ों में लगे हुए थे। ना जाने कितनी बुरी बुरी बातें उन्होंने मुझसे कही। सुजल को उसकी ये बात HIV वाली मजाक लगी कि झूठ तो नहीं कह रहा। सुजल कहता कि यार प्लीज़ मजाक मत करो, मैं इतने दिनों बाद तुम्हें मिल करके ये नहीं एक्सपेक्ट करता, ये नहीं सुनना चाहता, कह दो कि ये सब झूठ है। अरुण कहता है कि तुम रुको,
अरुण जाता है और अलमारी में से HIV पॉजिटिव की दो अलग अलग रिपोर्ट्स दिखाता है जो कि सर्टिफाइड डॉक्टर्स के होते हैं, काफ़ी जाने माने। अरुण कहता है कि मुझे भी यकीन नहीं था, इसलिए मैंने दो बार अलग अलग जगह से टेस्ट कराया। ये रहे टेस्ट रिपोर्ट। अरुण अब रोते हुए कहता है कि यार काश मैं दोबारा तुमसे मिलता नहीं, ये दिल फिर से नहीं धड़कता, ये प्यार नहीं होता। आज तुम, जिसके लिए मैं ज़िंदगी जीते आया हूँ, जिसे प्यार करते हूँ, आज तुम सामने हो और मैं तुम्हारे तो क्या किसी के भी लायक नहीं हूँ। काश मैं नशे की हालत में हर किसी से ना मिलता और अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशनशिप्स भी नहीं बनाता। काश मैंने प्रोटेक्शन यूज़ किया होता, आज मुझे बहुत पछतावा है अपनी गलतियों पर। सुजल बिल्कुल शॉक्ड और खामोश ही रहता। अरुण कहता है कि मुझे तो यार मर जाना चाहिए, जीने का भी अब हक नहीं, अब इस बीमारी के साथ पता नहीं कब तक और कितना जीऊँगा। सुजल कहता है कि अब बस कर, चाहे कुछ भी हो, ये चाहे भी एड्स, दुनियादारी, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, मैं प्यार करता हूँ तुमसे और ये चीज़ें मुझे तुमसे प्यार करने के लिए नहीं रोक सकती। जो हुआ वो बीत गया और अब मुझे समझ में आया कि जब सुबह हम संबंध बना रहे थे, इसके लिए तुमने प्रोटेक्शन यूज़ करने के लिए इतना जोर क्यों दिया था। सुजल कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम HIV पॉजिटिव हो तो तुम्हारा साथ मैं छोड़ दूंगा? अब मैं तुम्हारे साथ अंतिम सांस तक रहूँगा, दुनिया को दिखा दूंगा और तुम्हें भी पता चलेगा कि मैं तुमसे आखिर कितना प्यार करता हूँ। इतना सुनते ही अरुण सुजल को हक करके खूब रोता है, रोने लगता है। और कुछ दिनों बाद सुजल अरुण को अपने पास बुला लेता है दिल्ली। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अरुण दिल्ली के ही किसी NGO में अब जॉब ढूंढ लेता है। दोनों साथ रहने लगते हैं बहुत प्यार से। वक्त गुजरते जाता है, एक दूसरे को और ज़्यादा समझने लगते हैं, प्यार दोनों के बीच बढ़ता जाता है। दो तीन सालों बाद भी सुजल और अरुण के बीच का प्यार की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। अरुण अपने सिस्टर से बात करना स्टार्ट कर देता है सुजल की वजह से। वो अपने घर पे कॉल करके माफ़ी मांगता है अपनी माँ से भी। अरुण और उसके परिवार को मिलाने के लिए सुजल बहुत मेहनत करता है। वो चाहता है कि बुरे वक्त में सुजल के भी या फिर उनके सिस्टर्स के भी के लिए स्टैंड लेना पड़े, तो उसके माँ और सिस्टर्स के लिए अरुण हमेशा आगे रहे। और फाइनली सुजल की वजह से अरुण का ये गिल्ट भी ख़त्म हो जाता है। फैमिली वाले उसे माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन जो चीज़ें हो चुकी थी वो तो उम्मीदों पे पानी फेरने जैसा था। HIV और एड्स जैसी बीमारी के बाद कोई कहाँ शादी करने वाला था, फिर कुछ लाइफ में आगे क्या होना था। वो तो अच्छा था कि अब बाद में ही सही, लेकिन अरुण के साथ अब सुजल था। दोनों अपने बचपन के साथ को पूरी उम्र निभाने का सपना लेकर अब खुशी से ही साथ जीते हैं और ज़िंदगी यूं ही जी रहे हैं दिल्ली में। आज तक खुशी से एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। तो दोस्तों, स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको स्टोरी कैसी लगी, इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट शुरू से और अच्छे से ज़रूर देखें। अगर आपको ये फाइनल वाली स्टोरी मिली है, लिंक में डिस्क्रिप्शन दोनों की मिल जाएगी, आपको आई बटन भी मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल होगा इसी वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों अगली स्टोरी पर। और हाँ, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और स्टोरीज़ देखते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली जो भी नई कहानियाँ होंगी उसकी आपको जो नोटिफिकेशन है आपकी स्क्रीन पर टाइम टू टाइम मिलती रहे। आई होप फ्रेंड्स यू आर ऑल डूइंग गुड इन योर लाइफ। और ऐसे ही जुड़े रहिए, मिलते हैं संडे के लाइव पर, बातें होंगी। और हाँ, जिनको मुझसे बातें करनी है, अपने दिल की बातें शेयर करनी है, कुछ डिस्कस करना है या किसी तरीके की कोई बात कहनी है, तो आप मुझे मेरे इंस्टा ID VRQR1 पर मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ वहाँ पर मीनिंगफुल और काफ़ी अच्छी बातें होंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सभी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। लव इज़ लव।